बट आज के रेट में भाई ये आपको लाख रुपए से नीचे नहीं मिलने वाली। आपको कंपनी फिटेड यहाँ पे हजार का बटन देखने के लिए मिल जाता है। चैन सेट जो कवर आता था सो आपको पहले मेटल में मिलता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिल जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, आया बहुत बढ़िया होगी तो फिर से नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज है अपने पास स्प्लेंडर 2024 मॉडल, सबसे टॉप एरेंट जो कि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। इसके बारे में और डिटेल आप लोगों से बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो ना, तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करना भाई कि आप लोग स्प्लेंडर लवर हो या नहीं है, या आप कौन सी बाइक के ज्यादा फैन हो। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं फटाफट से शुरू और दिखाते हैं आप लोगों को इसके फीचर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप इसके एक सिनेमैटिक 360 व्यू देखो भाई, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कुछ इस तरह की लगती है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू स्प्लेंडर। तो मतलब देखा जाए तो भाई ओवरऑल इसके अंदर आपको ना बिल्कुल ही चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत सारे फीचर आपको एक्स्ट्रा यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो जो पहले स्प्लेंडर आया करती थी ना, उसके मुकाबले और ये वाली स्प्लेंडर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। सो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे कलर थीम बहुत ही ज़्यादा एडवांस और आई कैचर आपको ना यहाँ पे कलर थीम देखने के लिए मिल जाती है, ग्रे कलर एंड विद ब्लैक कलर के साथ में। आप पट्टी चेक करेंगे यहाँ पे कितनी अमेजिंग लग रही है। रेड स्ट्रिप आपको यहाँ पे सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगी। स्प्लेंडर प्लस एंड एक्सटेक 2.0 कितना ही मतलब बेहतरीन यहाँ पे जो इसको वेरिएंट दिया यहाँ पे जा रहा है। और i3S मॉडल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है FI के मॉडल में। और भाई प्राइस की बात की जाए ना, तो भाई आसमान छू रहे हैं अब स्प्लेंडर के भी प्राइस। कभी ये 52 या 58 हज़ार रुपये में आपको ऑन रोड मिल जाया करती थी, बट आज के रेट में भाई ये आपको लाख रुपए से नीचे नहीं मिलने वाली। इसमें आपको एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 97cc का इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको BHP मिलती है 5.9 किलोवाट की, और NM टॉर्क आपको 8.5 का मिल जाता है एडवांस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टर के साथ में। इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट इसमें आपको दोनों ही मिल जाएंगे, और इसमें आपको 4-स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाता है। और इसकी ओवरऑल लेंथ आपको इसकी 2000 mm मिल जाती है, और विड्थ इसकी 720 mm। हाइट की बात की जाए तो 1052 mm की मिल जाएगी, व्हील बेस 1236 mm का। सीट हाइट की बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको 785 mm मिल जाती है, मतलब कि 5.5 वाला बंदा इस पर बहुत इजीली बैठ सकता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 165 mm का मिल जाएगा। फ्यूल टैंक इसमें आपको 9.8 लीटर का मिल जाएगा। यहाँ पे आप फ्रंट लुक चेक करो, मतलब कितनी अमेजिंग, मतलब आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंजिंग देखने के लिए मिल जाती हैं। तो सबसे पहले भाई इंडिकेटर की बात करेंगे, यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब इंडिकेटर मिल जाते हैं। और भाई आप चेक करेंगे पुराने वाली स्प्लेंडर के मुकाबले, इस वाली स्प्लेंडर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमारी पुराने स्प्लेंडर पैशन में या फिर पैशन प्रो में जो इंडिकेटर आते थे वो आपको इस वाले मॉडल में मिल जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही अलग है। और हेडलाइट आपको यहाँ पे प्रॉपर ही LED सेटअप के साथ मिल जाती है, DRL के साथ में। आप यहाँ चेक करेंगे आपको S शेप में यहाँ पे DRL मिल जाएंगे, भाई नाइट में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। और ये लाइट आपको हाई बीम लो बीम के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर वाली आपको लो बीम मिल जाती है और नीचे वाली आपको हाई बीम में देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि चेक करेंगे भाई नाइट में इसकी इतनी एडवांस जो बीम आती है ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है। आपको कंपनी फिटेड यहाँ पे हजार का बटन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपके चारों इंडिकेटर वन टाइम वर्क करते हैं। मतलब आपको जैसे आफ्टर मार्केट यहाँ पे अलग से स्विच लगवाना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी खुद से लगा के दे रही है। मतलब आपका यहाँ पे कितना बेहतरीन खर्चा बच गया है, और कोई अभी आपकी तार वगैरह यहाँ पे कटिंग नहीं होगी। फ्रंट में आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉकर मिल जाते हैं, और भाई मरगार्ड आपको यहाँ पे कुछ इस डिजाइनेबल देखने के लिए मिल जाता है। सो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि शॉकर से थोड़ा सा आउटसाइड मिलता है, मतलब पहले वाली में जो है यहाँ पे आपको प्लेन मरगार्ड मिलता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिजाइनेबल मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जिसका साइज है 80/118 का यहाँ पे साइज आपको मिल जाता है, और ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। और इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे स्टार में। ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, आपको फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाती है 130 mm की, और यहाँ पे आप ये
ड्यूल वायर चेक कर रहे हैं या आपको कॉम्बी ब्रेक इसके अंदर मिलती है, यानी कि अगर आप फ्रंट की अप्लाई करते हैं तो बैक की लगती है, बैक की अप्लाई करते हैं तो फ्रंट की साथ में आपको जरूर लग जाएगी। यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे एक लेग गार्ड मिलता है जो कि काफी मजबूत है। सीट भी आपको यहाँ पे काफी लंबे में मिल जाती है और कुशन भी आपको भाई कभी कंफर्टेबल मिल जाता है, मतलब अगर आपको काफी दूर तक जाना है तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मतलब राइड हो जाएगी आपकी। यहाँ पे स्प्लेंडर के अंदर आपको शुरू से ही यहाँ पे सेम चीज देखने के लिए मिल जाती है, ग्रैब ग्रिल। भाई ये इतनी मजबूत होती है कि आपकी जो टेल है ना बिल्कुल ही यहाँ पे सेफ रहती है इसके अंदर। में अगर आपका कोई बैग वैग है या कुछ ऐसा कोई सामान है आप यहाँ पे बहुत इजीली उसको बांध के कहीं भी ले जा सकते हो। टेल लैंप पे आपको यहाँ पे एक हीरो की बैचिंग मिल जाती है टेल के अंदर ही। और भाई यहाँ पे एच शेप में जो है आपको टेल लैंप मिल रही है, मतलब पहले आपको एक नॉर्मल स्टाइलिस्ट मिलती थी लेकिन यहाँ पे अब अलग से आपको मिल रही है, मतलब काफी डिजाइनेबल लग रही है और काफी यहाँ पे एडवांस होती जा रही है। स्प्लेंडर नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है, नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और रियर में आपको एक अच्छा बेहतरीन मरगार्ड मिल जाता है। काफी मतलब ये भी ब्रॉड कर दिया, पहले एक थोड़ा सा नॉर्मल टाइप में आता था, ये भी अब एक ब्रॉड हो चुका है। और इंडिकेटर मैंने आपको दिखाया हाइलोजन बल्ब के साथ ही मिल जाते हैं और काफी स्टाइलिश है। और इंजन पे भी आपको यहाँ पे एक हीरो की बैचिंग मिल जाती है, जहाँ पे आप जो रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं यहाँ पे आप जैसा कि चेक करेंगे एक आपको गार्ड मिल जाता है ताकि आपका पैर वैर यहाँ पे इंजन पे ना लगे, ताकि क्योंकि इंजन गर्म होता है काफी। स्विंग आर्म की बात की जाए तो जैसा कि आपको यहाँ पे शुरू से ही एक पाइप स्टाइल में मिलता था तो वही आज भी आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर। जैसा कि मैंने बताया आपको फ्रंट एंड रियर में आपको 80 नंबर के यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और साइड में आपको यहाँ पे एक साइडी गार्ड मिल जाता है जिसपे आप अपने पैर को यहाँ पे रख के बहुत इजीली बैठ सकते हैं, लेडीज वगैरह बड़ा इजीली यहाँ पे बैठ जाती है। और उसी के साथ में जैसा आपका पहले चैन सेट जो कवर आता था सो आपको पहले मेटल में मिलता था लेकिन अब जो है यहाँ पे आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिल जाता है। सो आप जैसा कि चेक कर पा रहे हैं काफी हल्का क्वालिटी का है और फुट पैक आपको कुछ इस तरह के मिल जाते हैं, काफी कंफर्टेबल है, मतलब रबड़ के आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों मिल जाते हैं। सिंगल स्टैंड मिलता है जिसमें आपको ऑटो कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जैसे ही आप स्टैंड लगाओगे तो आपकी बाइक ऑटोमेटिकली कट ऑफ इंजन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे की आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की मिल जाती है जो कि शुरू से ही यहाँ पे आपको मिलती आई है। सो यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। सो इन्फोमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है फुली डिजिटल। सो यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे भाई आपको क्रोम फिनिशिंग के ऊपर एक गार्निश मिल जाता है जिसमें आपको ओडोमीटर स्पीडोमीटर एंड आपको फ्यूल इकोनॉमी न्यूटन का स्विच एंड इंजन का यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाता है एंड आपका स्टैंड लगा है या उठा हुआ है आपको यहाँ पे उसका भी सिंबल देखने के लिए मिल जाता है। आपको हाई बीम लो बीम का यहाँ पे जो है सिंबल मिल जाता है। स्विच ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आईथीरेस का भी और मीटर की साइड में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है यूएसबी पोर्ट के साथ में। सो यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, कभी भी आपका फोन वगैरह यहाँ पे कुछ भी चीज डाउन हो जाती है आप यहाँ पे बहुत इजिली अपनी चीज को चार्ज कर सकते हो। और ओआरबी मिरर आपको बहुत ही ज्यादा मतलब बल्कि लुक में देखने के लिए मिल जाते हैं और पेंट फिनिशिंग के साथ में भाई यहाँ पे चेक करेंगे। और जो हमारे पहले वाले स्प्लेंडर आते करते थे उसमें काफी पतले से मिलते थे लेकिन यहाँ पे आपको काफी ब्रॉडनेस में देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड स्विच की बात की जाए तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ही आपको अलग और चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब पहले मतलब लो क्वालिटी के आपको मिलते थे लेकिन आज आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मिल जाते हैं। तो वही यहाँ पे आपको पासिंग का स्विच मिल जाता है एंड हाई बीम लो बीम हजार्ड का बटन इंडिकेटर हॉर्न स्विच एंड यहाँ पे आईथीएस का स्विच और नीचे आपको क्विल स्विच देखने के लिए मिल जाता है। सो उसी के साथ में आपको इन्फोमेंट क्लस्टर के अंदर यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे उसके अंदर आपको कॉलिंग के लिए मैसेज के लिए यहाँ पे मीटर में एक सिंबल आ जाएगा और फोन से आपका कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो आप ये स्कैनर चेक कर रहे हैं इसको आपने स्कैन करना है और आपका जो ब्लूटूथ का ऐप है वो आपके ऐप स्टोर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये E20 की यहाँ पे आपको बैचिंग मिल जाती है, इसमें आप पावर का जो है यहाँ पे फ्यूल यूज कर सकते हो अपनी बाइक के अंदर। पे भाई पेंट फिनिशिंग चेक करो, मतलब कितनी ही आपको यहाँ पे ग्लोसी टाइप में देखने के लिए मिल जाती है। सो भाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जब भी अपनी बाइक को परचेज करते हो तो इसके ऊपर आप लेमिनेशन या पीपीएफ जरूर कराया करो। और साइड में आपको यहाँ पे एक ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंड टूल किट वगैरह यहाँ पे बहुत इजीली रख सकते हो। सो यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाते हैं कि आपको इस यहाँ पे कितना स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसको ओपन कर लेते हैं। सो भाई यहाँ पे चेक करो और भाई यहाँ पे देखो आपको एक सेंसर साइड में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट फर्स्ट एड किट एंड टूल किट और डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपने इजिली रख सकते हो, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस भी मिल रहा है। BS6 इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको सेंसर अब हर गाड़ी के अंदर देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। सो यहाँ पे उसी के साथ में कैटलिक कन्वर्टर भी साथ में आपको मिलता है। और अब मैं साउंड की बात करूँ तो साउंड कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये अभी आइडल साउंड है, नॉर्मल साउंड इसका है। अगर हम इस पर रैप करते हैं तो कुछ इस तरह का साउंड मिल जाएगा।
तो कैसा लगा भाई साउंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस ये था आज का वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी भाई आप लोगों ने शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। करते वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते फिर नई वीडियो में कुछ नया लेके। तो इसके जो भी एक्स्ट्रा दो और वेरिएंट है उसकी भी बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो गाइज़।